सो भाई एसपीपीयू का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आते ही एक चीज हुई, जो चीजें मैंने आप सभी को स्टार्टिंग से बोल रहा था, आप सभी को पता है कि जब हमने बैच लॉन्च किया था, फ्री बैच लॉन्च किया था, उसके पहले से मैं स्टार्टिंग से ये बात बोलता चला आ रहा था कि आप बहुत मैकेनिक्स और मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस करो, बीडब्ल्यू मैकेनिक्स मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस करो क्योंकि इसके बहुत ज्यादा बैकलॉग लगने के चांसेस होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबकी गलती है, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो हमें समझ में नहीं आ पाती कि हमें क्या करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे क्या क्या करना है, बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती है और नहीं समझ में आने के कारण हमें उस सब्जेक्ट में क्या बैकलॉग लग जाता है। और देखा जा रहा है कि जो बच्चों को बैकलॉग लगा है वो मैकेनिक्स और मैथ में लगा है। तो भाई देखो एक सजेशन आप सभी को देना चाहूंगा कि एक चीज तो आपने देख ली, अगर बस जस्ट आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे या तो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ोगे तो भाई उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभार अपना लक साथ दे देता तो वो क्वेश्चन आ जाता और हम अच्छे से निकल जाते, बट ऐसा हर बार नहीं होता। इसीलिए पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप बोलोगे तो मैं सेपरेट लिंक बना के आपको दे दूंगा, फटाफट पढ़ाई में लग जाओ। हाँ अभी इनसेम भी आपका नजदीक है, अगर आप चाहो तो डेली एक घंटा दे सकते हो इसके लिए, बट ज्यादा फोकस अभी आपको इनसेम पे करना है। बट फिर भी अगर एक घंटा आप निकाल सको, क्योंकि इनसेम में दो दो सब्जेक्ट आने वाला भी, अपने को पीछे का भी बैलेंस करना है ना, तो अगर एक एक घंटा निकाल सको तो उसकी भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। क्या बोलते हो राहुल सर आप? जरूर करना चाहिए, अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि पूरा लेक्चर सिस्टमैटिक हमें कॉन्सेप्ट वाइज समझना है तो ही रिजल्ट, तो ही एग्जाम निकलेगा, अदरवाइज आगे जाके प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो हर टॉपिक के, हर जितने भी टॉपिक होंगे, हर टॉपिक को सॉल्व करना स्टार्ट करो, टाइम देना स्टार्ट करो, नहीं तो भाई लास्ट में अगर सेकेंड सेमेस्टर में कुछ गड़बड़ होता है तो बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए समझा रहा हूँ कि अभी कंटिन्यू क्या हो, लग जाओ। तो राहुल सर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? पूरा जो पेपर था ना, अगर आप मैकेनिक्स का पेपर देखोगे या मैथ्स का पेपर देखोगे, बीडब्ल्यू या बीएससी था इनको, बहुत सारे लोगों को बीएससी था, बहुत सारे लोगों को बीडब्ल्यू था, तो अगर आप ये पेपर देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि पूरा का पूरा वीडियो से ही पेपर डिजाइन था। इवन पेपर का डिस्कशन भी हमने किया था, तो पासिंग तो आराम से निकाल सकते थे, तो थोड़ा बहुत है कि प्रैक्टिस में कमी हुई होगी, तो प्लीज अभी से स्टार्ट कर दो, इनसेम के बाद से आराम से पास हो जाओ। सो भाई देखो बीएससी का भी वन शॉट लेक्चर हमने बनाया था सबका, तो अभी से करना स्टार्ट करो और सेकेंड सेमेस्टर का भी अभी से सीरियस होके पढ़ना स्टार्ट कर दो। सेकेंड सेमेस्टर तो इंटीग्रेशन है, बहुत 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 अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो ही जाके कुछ अच्छा होगा, और इन सेम में अच्छा स्कोर करो, ये टारगेट बना लो। चलो जो हो गया सो हो गया, बहुत लोगों के साथ होता है, बट अगर आप अभी भी नहीं जागोगे तो आप उनमें से होगे जो इतना होने के बाद ठोकर लगने के बाद भी जाग नहीं रहे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बड़े भाई के नाते काम में लग जाओ और टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।